हमने चेकआउट अभी कर दिया है और अभी निकलते हैं हम. वी डिसाइडेड टू स्टे इन पुष्कर अगेन, क्योंकि उधर से आते हुए पुष्कर में ही एक रात रुके थे, तो आज फिर से हम पुष्कर में देखेंगे मेला वगैरह और उधर ही रुकेंगे. दर्शन तो कर लिए थे ब्रह्मा जी मंदिर के, तो आज दर्शन नहीं जाएंगे. और 7:35 हो गए एंड लेट्स गो. मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से पुष्कर के लिए निकले हैं, तो यहाँ से भी पहले जैसलमेर पड़ेगा, जैसलमेर के बाद में बहुत सारी जगह होंगी. तो 7:50 का टाइम है और अभी 19 degree टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर मतलब काफ़ी अच्छा है और लगता है अभी ज़्यादातर लोग जगे नहीं है घूमने वाले. वैसे भी ट्यूसडे है तो वीकेंड तो ख़त्म हो ही गया है, तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगी. एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी है, जो डेंसिटी है वो बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है और रोड बहुत अच्छे हैं. तो लेट्स ड्राइव, काफ़ी मज़ा आया पूरे ट्रिप में. जैसलमेर से पहले छोटा सा गांव है और देख सकते हैं कि बाकी देश के गांवों में और इसमें यही अंतर है कि इसमें सारे घर जो है पत्थर के बने हुए हैं. तो छोटा सा है, कुछ ही घर बना के रखे हुए हैं. पहले कभी कच्चे घर हुआ करते होंगे यहाँ पे, अभी ये थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन हो गया है सब तो. और ये जैसलमेर में पहुँच गए हैं. ये बॉर्डर होम गार्ड्स का है, ये सारी बिल्डिंग्स देख सकते हो, साफ सुथरा सुंदर सा शहर है और राजस्थान का सबसे छोटा शहर है ये. बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, लोग बड़े कूल हैं, मतलब ज़्यादा मच मच का चक्कर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और ना कोई कॉर्पोरेट ऑफिसेज हैं. यहाँ की जो मेन इनकम है वो टूरिज्म है और बाकी जो स्टोन्स वगैरह की नक्काशी वगैरह करते हैं वो सब काम होके फिर बाहर भिजवाते हैं. ये यहाँ 5-star होटल आई बिलीव ये मैरियट ही है और ये मतलब मल्टी स्टोरी नहीं है, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से है. सारे रूम्स इसके ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से बुकिंग्स उस टाइप से नहीं होती होंगी. और मैंने बात की थी एक आर्मी ऑफिसर से, तो ऑफिसर्स का टाई अप बहुत रहता है इनके साथ में. तो वो बता रहे थे कि मैरियट होटल जो है वो मैक्सिमम जो इनकी इनकम है वो आर्मी के टाई अप से है, जो बड़े बड़े ऑफिसर्स और वो सब आते हैं तो वो रुकते हैं यहाँ पे. बाकी कोई भी बुक कर सकता है. देख सकते हैं कि मतलब बहुत कोई भी हाई राइज बिल्डिंग नहीं है इसमें पूरे शहर में, और साफ सुथरा बहुत ही खूबसूरत शहर है. ये कुछ होटल्स हैं, तो मेनली इनका फ्रंट में ये नक्काशी वाला काम लगाते हैं, पीछे ब्रिक से और बाकी चीज़ों से ही बिल्डिंग बना लेते हैं. तो दिस इज जैसलमेर वार मेमोरियल और अभी इसको खुलने का टाइम नहीं हुआ है, तो इसलिए अंदर नहीं जा पाएंगे. तो बाहर से आपको ये शॉट दिखा देते हैं. ओके, तो ये नागौर शहर है, पता नहीं कहीं बाईपास से जाना था लेकिन गूगल शहर के अंदर लेके आ गए और हमारे प्लान में नहीं था, लेकिन कह सकते हैं कि हाँ नागौर में भी एक किला है. ये बराबर से निकल रहे हैं और ज़बरदस्ती गूगल ने नागौर शहर के शहर अंदर से हमें दिखा दिया है, तो अच्छी बात है, थिंक पॉजिटिव. तो ये काफ़ी बड़ा किला दिख रहा है. जो हमें पता भी नहीं था कि नागौर में भी किला है. और ये गलियां देख सकते हो आप इतनी कंजेस्टेड, और ये कलाकारी गूगल की है. गूगल लगाया था जयपुर के लिए, इसने नागौर की गलियों में होके निकाल दिया है. और अभी ये पता नहीं कहां तक कितना ये इस टाइप की गली है. हमने
प्लान किया है कि हम सीधे नोएडा जाएंगे और ये सीकर होके जाना है हमें। जयपुर 160 किलोमीटर दिखा रहे हैं हमें, सीकर होते हुए हम नोएडा निकलेंगे। Hi guys, so finally we have arrived in Noida. ये यमुना ब्रिज है और नोएडा में हम लोग इंटर कर रहे हैं एंड वी स्टार्टेड फ्रॉम आवर रिजॉर्ट जैसलमेर। जैसलमेर से कुछ 40 किलोमीटर आगे था और 7:40 पे हम लोग गाड़ी में बैठ के स्टार्ट किया था और अभी 11:38 मतलब 11:40 मान लो, तो 11:40 पे हम लोग नोएडा में इंटर कर गए, मतलब नोएडा पहुंच गए। तो ये कितना आई थिंक 16 आवर्स लगा, लेकिन मेरी गाड़ी का जो मीटर है वो दिखा रहा है 14.18 मतलब 14 आवर्स एंड 18 मिनट्स। अभी 20 मिनट मान के चलो थोड़ी देर में और इंटर करेंगे। तो जो गाड़ी कंटिन्यू चली है 14 आवर्स एंड 20 मिनट और 814 किलोमीटर हो चुके हैं सुबह से और नॉन स्टॉप मैंने गाड़ी खुद अकेले ही चलाई है और काफ़ी मतलब थोड़ा सा थका देने वाला काम था, लेकिन फाइनली वी हैव अराइव्ड और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही अच्छा ट्रिप था। तो हम लोग काफ़ी पहले पहुंच सकते थे लेकिन हम लोगों ने मुझे लग रहा था कि बहुत लंबा हो जाएगा तो स्टे एट जयपुर, तो लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि नहीं जयपुर क्या स्टे करना, चलो नोएडा ही चलते हैं। और रास्ते में मौसम बहुत ख़राब था जिसकी वजह से क्योंकि हम लोग जयपुर वाया जयपुर आने वाले थे और गूगल लगाया तो एक जगह तो नागौर में तो गूगल ने इतनी अंदर गली के अंदर लेके गया कि मतलब कोई आदमी छोटी गाड़ी को भी ना निकाल पाए, मैं इतनी बड़ी गाड़ी को निकाल के लाया हूँ उससे, बहुत मेहनत का काम था। और जो रोड थे बारिश हो रही थी और सामने से सिंगल रोड था, सामने से लाइट जब पड़ती थी तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिल्कुल एकदम ब्लैंक हो जाता था। और एक तो आपको पता ही है इंडिया में लोग ये देखिए ऋतु महेश्वरी ने बड़ा अच्छे से सजाया है सारे फ्लाईओवर्स को, तो मैं बता रहा था कि एक तो इंडिया में हाई बीम पे चलाने का बड़ा लोगों का कल्चर है और सिंगल रोड होता है उसमें भी हाई बीम पे उधर से चले आ रहे होते हैं, तो काफ़ी डिफिकल्ट था ड्राइव करना उस कंडीशन में, लेकिन बड़े आराम से फिर चलते 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 फिर इतने सारे ट्रक, मतलब ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्योंकि ये कोटपुतली पे बहुत सारे क्रेशर्स हैं तो बहुत सारे डंपर और बहुत सारे ट्रक्स थे। और इवनिंग में दिल्ली में एंट्री ओपन होती है तो उधर से NH8 से मैक्सिमम जो ट्रक हैं वो उनका टाइम सेम था जिस टाइम हम लोग आए, तो ये एक्सपीरियंस था वापस आने का। और हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और अभी मैं गाड़ी पार्क करके फिर गाड़ी को चारों तरफ से एक बार आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी सच में ही मतलब देख के लग रहा है कि खूब अच्छे से ऑफ रोडिंग करके आई है। सो गाइस दिस इज़ माय एंडेवर और मैं अभी नोएडा से जैसलमेर से आगे पाकिस्तान के बॉर्डर तक और उससे पहले मैं गया था पुष्कर। तो ये आप देख सकते हैं कि मैंने पूरे ट्रिप में 2112.8 किलोमीटर ये गाड़ी चलाई है और उसमें इसने 11.1 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज दिया है और टोटल 36 घंटे 35 मिनट और ये 45-46 अभी दिखा रहा है क्योंकि ऑन है इसकी इतने आवर्स चली है। और आज मैंने सीधे
जैसलमेर से करीब 40 किलोमीटर आगे मेरा रिजॉर्ट था जहाँ मैं रुका था, और ये मेरा ट्रिप 1 है। तो आज मैंने 824 किलोमीटर चलाई है गाड़ी, और 10.9 किलोमीटर का माइलेज दिया है इसने, क्योंकि रोड बहुत अच्छा नहीं था और बारिश हो रही थी। तो बारिश में रात में तो मतलब सिंगल रोड था, सामने से लोग गाड़ियां जैसे चला रहे थे बिना मतलब हाई बीम पे जो गाड़ियां चला रहे थे, तो बहुत मुश्किल था वहां से निकल के आना, एंड इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। और ये 14 घंटे 36 मिनट जो है इसमें गाड़ी चली है 824 किलोमीटर चलाने में। तो मतलब कंटिन्यू मैं 7:40 पे वहाँ से स्टार्ट किया था, और मैं यहाँ पे 11:40 घर पहुँच गया हूँ अपने पार्किंग में। तो ये गाड़ी की अभी मैं आपको कंडीशन बाहर से दिखाता हूँ, और बिल्कुल एकदम से वो ऑफ रोडिंग वाला फील आ रहा है उसे देख के। चलो आगे तो लाइट है तो दिखेगी नहीं आपको ठीक से। ये देखिए पूरा कीचड़ भरा हुआ है। गाड़ी का नंबर भी पता नहीं चल रहा।